सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुहाडा साडे देसी चैनल ते स्वागत है। अज आपां बना रहे हां जी शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा आपां ब्रैडां तों तैयार करांगे। ये बहुत ही आसान तरीके नाल आपां बना के तुहानूं दसांगे ते बहुत ही वधिया बणदा। खाण विच वी बहुत ज़्यादा इन्हां दा वधिया टेस्ट हुंदा। ते आपां इहदे वास्ते 5 स्लाइस लए सी ब्रैड दे। आपां ड्राई फ्रूट लए आ, मगज़ लए, सौगी लई, टूटी फ्रूटी लई, बदाम ते नारियल दा बुरादा लिया। ते आपां आपां कस्टर्ड लिया ते 500 ग्राम आपां दुध लिया। आपां ब्रैड कट करके फ्राई भी करने आ। ते उस तो पहला आपां कस्टर्ड वाला दुध तैयार करांगे। एक पैन दे विच आपां दुध पा लवांगे। पहला ये आप इलाची पा देंगे। आप इलाची पाउडर भी पा सकते हैं। आप केसर भी ये कलर वास्ते ऐड कर सकते हैं, पर तुसी चाहो तो विच कलर भी थोड़ा जा विच ऐड कर सकते हो, पर आप नहीं कर रहे क्योंकि कस्टर्ड का अपना ही कलर हुंदा बहुत वधिया। आप इलाची पा देंगे। इलाची आप कुट के पावांगे। विच आप खंड पा देंगे। खंड आपां अपने टेस्ट के अनुसार ही पावांगे, पर थोड़ी जी इहदे विच ज़्यादा खंड पैंदी आ क्योंकि आपां विच ब्रैड पावांगे ते फिर अपना मिठा घट हो जाएगा। आपां कस्टर्ड के नालों थोड़ी जी ज़्यादा विच खंड पावांगे। जिन्ना आपां कस्टर्ड के विच उंज आपां नॉर्मल मिठा पाउने आ उहदे नालों थोड़ा जिहा आपां मिठा इहदे विच ज़्यादा पावांगे। ते जदों अपने दुध नूं उबाल आएगा ते फिर विच आपां कस्टर्ड दा घोल बना के पा देंगे। हाँ जी, आप थोड़ा जिहा दुध कच्चा दुध लिया। ये आप ठंडा दुध ही लैना, गर्म दुध नहीं लैना, नहीं तो गंढा बन जाएगा। तो ये आप एक फुल भर के चम्मच कस्टर्ड का पा देंगे। तो चंगी तरह आप इनू विच मिक्स कर लवेंगे। विच गंढ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अपने कस्टर्ड के विच गंढा बन जाएंगे। इस करके आप चंगी तरह दुध के विच कस्टर्ड नू मिक्स कर लवेंगे। तो जो अपने दुध नू उबाल आ जाएगा तो फिर विच आप कस्टर्ड वाला कस्टर्ड ऐड कर देंगे। हाँ जी, अपने दुध में उबाल आ गया सी ते आपां विच इहदे कस्टर्ड ऐड कर दिता। तो आपां इहनूं हिलाई जाना, नहीं तो गंढ बन जाएगी विच। तो इहनूं आपां चंगी तरह दो तीन उबाले देवांगे कस्टर्ड पा के। तो अपना बहुत वधिया कस्टर्ड इदां दा ही आपां तैयार करना, ना ज़्यादा पतला ना संघना होना चाहिए ज़्यादा। तो आपां इहनूं ठंडा होने वास्ते रख देंगे। तो इधर आपां एक पैन दे विच तेल पा के रख दिता सी। रिफाइंड तेल पा सकते हैं जां आपां देसी घिओ भी पा सकते हैं, पर इहदे वास्ते आपां रिफाइंड तेल लिया क्योंकि आपां ठंडा जदों होएगा फिर अपना घिओ विच जम जाता, फिर इस करके आपां रिफाइंड तेल ही लवेंगे। आपां ब्रैड कट कर लवेंगे। आपां इहदे दो पीस भी कर सकते हैं, पर आपां चार पीस इहदे करांगे। तो इहदियां साइडां कट करन दी ज़्यादा जरूरत भी नहीं हैगी, तुसीं चाहो तो कट कर भी सकते हो, पर इह कोई ना भी कट करांगे तां भी कोई गल नहीं। तो आप एक ब्रैड के चार चार पीस कर लवेंगे सारे ब्रैड के। हाँ जी, इदा आप ब्रैड के पीस कर लेने हैं, चार चार छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। फिर अपना तेल गर्म हो गया, विच ब्रैड फ्राई करांगे। ये आप चाहिए तो रोस्ट भी कर सकते हैं तवे के उपर, थोड़ा जा मक्खन लगा के जां आपां देसी घ्यो लगा के रोस्ट भी कर सकते हैं, पर आप फ्राई करांगे। इन्हां आप ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट जा गोल्डन करांगे। तो आप मीडियम ज जदों गर्म होएगा तेल उदों ही विच पाउणे आ, जे ज़्यादा गर्म होएगा तो फिर अपने ब्रैड सड़ जाएंगे। तो आप एक साइड इन्हां दी पक गई है तो दूसरी साइड भी आप इदां ही गोल्डन कर लवेंगे। इन्हां दीआं साइडां सारिआं दीआं आप चेंज कर लवेंगे। हाँ जी, अपने दूसरी साइड भी ब्राउन गोल्डन हो गई। तो आप बाहर काढ लवेंगे सारे ब्रैड। तो इदा ही आप सारे ब्रैड फ्राई करके पहला रख लवेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं आप करने। हाँ जी, अपने ब्रैड सारे फ्राई हो गया। तो बाकी ब्रैड भी आप इदा ही कर लवेंगे। हाँ जी, आप सारे ब्रैड फ्राई करके रख लिया। हुण आप एक ट्रे ले लवेंगे, कोई भी चीज़ अपने को हैगी है जिहदियां किनारियां साइडां तो बनिया होण वो आप ले लवेंगे बर्तन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਰਡ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਰਡ ਫੈਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਸਟਰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ ਕਸਟਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸਟਰਡ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਗਜ਼ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੌਗੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਿੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ